हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे टेक्निकल अवी यूट्यूब चैनल में। और ये जो आज की वीडियो है, ये होने वाली है बायनमो एलिगेटर स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो पुरानी बायनमो की जो एलिगेटर स्ट्रैटेजी है उसके बारे में आप अवेयर होंगे, या फिर एलिगेटर का जो नाम है काफ़ी टाइम पहले भी आपने सुन के रखा होगा कि एलिगेटर नाम से भी एक स्ट्रैटेजी होती है, जिसे हम ओलिंप में, आईक्यू में, बायनमो में, हर एक ट्रेडिंग एप्लीकेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे, कहाँ, कब और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। प्लस एक बहुत सारे लोग हैं यार जो मुझसे कहते हैं कि सर, जब हम ये जो स्ट्रैटेजी है यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रेड कब लेनी है, ग्राफ कितने मिनट का रखना है, हम क्यों हार जाते हैं, मतलब हम प्रॉपरली सब कुछ फॉलो कर रहे हैं बट इवन दो हम हार जाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या रहता है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। सो ये सारे क्वेश्चंस के भी आंसर इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि लोगों का कन्फर्मेशन का प्रॉब्लम रहता है। लोग, आप लोग कन्फर्म नहीं करते एग्जैक्टली सिग्नल को, बट आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ट्रेंड्स फॉलो करने बताऊंगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, आपको ये बताओ कि कैसे आप ट्रेंड फॉलो करते हैं, किस तरीके से हमें पता लगता है कि मार्केट जो है अपवर्ड रहने वाला है या डाउनवर्ड रहने वाला है। बट इन दिस वीडियो यू विल गेट द ऑल आंसर रिगार्डिंग दी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। लास्ट तक देखना, मज़ा ज़रूर आने वाला है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वो ये कि अगर अभी तक टेलीग्राम पे आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा यार टेलीग्राम का, अभी ज्वाइन हो जाओ। अगर आप वहाँ पे नहीं हो ना, बहुत कुछ यार गाइज सीरियसली मिस करोगे। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं बायनमो के इंटरफेस की। ये जो इंटरफेस है बायनमो का है, आप चेक कर पा रहे हैं, रियल अकाउंट से मैं लॉग इन हूँ, 243 समथिंग डॉलर्स। तो यहाँ पे आप ये जो इंटरफेस है इसमें देख पा रहे हैं, जब आप स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब बात करते हैं प्रॉपरली इस स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करना है। एलिगेटर की यार पुरानी स्ट्रैटेजी बहुत हो गई, आज हम ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे एग्जैक्टली, जिसके जो कुछ नया है एग्जैक्टली मज़ा आएगा। तो यहाँ पे 5 सेकंड को आपको कर देना है 15 सेकंड्स। जो लोग हैं मोस्टली प्रेफर नहीं करते 15 सेकंड्स, या फिर एक मिनट है इस टाइप का कुछ प्रेफर करते हैं, बट यहाँ पे आपको 15 सेकंड्स कर देना है। चार्ट पे क्लिक करना है और कैंडल्स कर देना है। ये जो चार्ट आप पहले देख पा रहे थे वो माउंटेन है, बट आपको कैंडल कर देना है, ठीक है। कैंडल्स करोगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे एक बटन देख पा रहे हैं, ये जो बटन है वो इंडिकेटर्स और टूल्स का है। तो इसमें सबसे नीचे नीचे आपको जाना है, सबसे नीचे नीचे जो ऑप्शन मिलेगा द इंडिकेटर, माफ़ी चाहूँगा द एलिगेटर, एलिगेटर को इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, कोई चेंजेस नहीं करने, अप्लाई पर क्लिक कर देना है, दैट्स इट। मैं जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि मुश्किल है समझना, या फिर ऐसा है कि सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो हायर स्टडी जिन्होंने की हो, नथिंग यार, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप बहुत आसानी से यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हो, प्राइस रेंज, प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेडिंग ले सकते हो, ट्रेंड फॉलोइंग पे आप ट्रेडिंग ले सकते हो। अब हमने जो चीज़ें हैं वो कर ली, अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की और टाइम की। तो इन्वेस्टमेंट आप अपने कैपिटल के हिसाब से 1 और 2% पे जा सकते हो, और अब बात करेंगे अगर टाइम की, तो टाइम यहाँ पे आपको 1 मिनट या 2 मिनट रखना है मैक्सिमम, ठीक है, अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो तो। अब ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कन्फर्मेशन लेनी है, ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइनें हैं ये है ट्रेंड फॉलोअर, ठीक है, इनको ट्रेंड फॉलोअर बोलते हैं। द एलिगेटर तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है, इफ ये हम इनको बोलते हैं पर्टिकुलर इंडिकेटर का नाम द एलिगेटर है, बट ये जो लाइनें हैं ये फॉलो करती है ट्रेंड्स को किस तरीके से। अब यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन क्या चाहिए, ये आपको 3 कन्फर्मेशन के साथ जाना है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, आपको 3 कन्फर्मेशन के साथ जाना है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, तो पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे आपको 1 कन्फर्मेशन मिली कि जो मार्केट है ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको दूसरी जो है कन्फर्मेशन मिली कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं ब्लू की बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन मिली कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो 3 कन्फर्मेशन आपको चाहिए, 3 अलग अलग कन्फर्मेशन, और इन तीनों लाइनों से अगर आपको कोई 1 कन्फर्मेशन मिलती है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। मतलब अगर 1 लाइन ऊपर जा रही है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको ट्रेड तब लेनी है जब तीनों लाइनें एक साथ ऊपर जा रही हैं। जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको ये फील हो, आपको 1 या 2 मिनट की ट्रेड ले लेनी है, और डेफिनेटली आप विन करोगे। कैसे, इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है, आप हर एक ट्रेड विन नहीं करोगे, यहाँ पे आपको ज़रूरत है पेशेंस की। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है ये बनने में कभी कभी घंटे भी लग जाएंगे, बट आप अगर वेट करोगे तो एक परफेक्ट ट्रेड आप ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं ट्रेड लेता तो क्या होता, ये रहा पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं 1 या 2 मिनट की ट्रेड ऊपर लेता, तो ये जो ग्राफ है 15 सेकंड चार्ट पे है,
तो 15 सेकंड के हिसाब से देखिए, 30 सेकंड, 45 सेकंड्स और 1 मिनट। उसके बाद देखिए, अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कहीं जाके मार्केट रुकता यहाँ, तो मैं ये डेफिनेटली विन कर जाता ट्रेड। अगर मैं 2 मिनट की भी लेता और अगर मैं 1 मिनट की भी लेता तो भी ये विन कर जाता, एक से ज़्यादा की लेता, दो से ज़्यादा की लेता तो भी जो यह ट्रिक ज़रूर वर्क करेगी, बट इन सम केसेस वो थोड़ा सा वर्क नहीं करती है, इन सम केसेस। अब आपको वापस से अगर मैं यहाँ पे सिनेरियो दिखाऊं, तो ये जो सिनेरियो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वापस जो ट्रेंड फॉलोअर लाइन है वो तीनों की तीनों नीचे की डायरेक्शन में जानी स्टार्ट हुई है। लेकिन कन्फर्मेशन आपको कहाँ से मिली? ये ग्रीन कलर की लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से नीचे जा रही है, रेड कलर की लाइन भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से नीचे जा रही है, बट ब्लू कलर की लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से नीचे जाना स्टार्ट हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद से आपको पता लगा है कि ब्लू कलर की लाइन भी नीचे जा रही है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो तीनों लाइनें नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। अगर तो मैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे अगर मैं ट्रेड लेता, ये कैंडल की ओपनिंग पे लूं मैं या फिर लास्ट में लूं, अगर मैं कहीं भी ट्रेड लेता, अगर मैं ओपनिंग पे लेता, सपोज वर्स्ट केस सिनेरियो पे जाते हैं, सबसे बेकार हमारे साथ जो हो सकता है उस सिनेरियो पे जाते हैं, तो हम ओपनिंग पे ट्रेड ले लिया, हमने ओपनिंग पे ट्रेड ली कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, तो आने वाले टाइम में देखिए 15 सेकंड्स की कैंडल है, तो 1 मिनट की भी ट्रेड लूंगा मैं तो भी मैं ये विन करता। अगर मैं 2 मिनट की लेता तो डेफिनेटली मैं विन करता, जो कि मैं प्रेफर आपको करूंगा 2 मिनट की ट्रेड लेने के लिए। अब किसी और ग्राफ पे आ जाते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटजी वर्क करती है, ये जो मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे ये जो सिनेरियो दिख रहा है, इस सिनेरियो में आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर करेंसी पेयर पे ट्रेड नहीं लेनी है। रीजन यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, जब भी आपको ग्राफ जो है, यानी ये तीनों लाइनें हैं ट्रेंड फॉलो जो करती हैं, अगर ये तीनों की तीनों लाइनें आपको एक हॉरिजेंटल वे में जाती हुई नजर आए, यानी एक पाथ दिखे आपको जो हॉरिजेंटली फॉलो कर रही है ये, तो उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेनी है। आपको ट्रेड सिर्फ उसी टाइम लेनी है जब आपको ऐसा कुछ इस तरीके का सिनेरियो बने आपके सामने, या तो नीचे जा रही हो या ऊपर जा रही हो, तब आपको ट्रेड लेना है। आपको ट्रेड तब नहीं, जैसे कि पर्टिकुलरली यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। रीज़न आपको पता है क्योंकि मार्केट, आपको पता है जब मैं भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बोलता हूँ कि मार्केट जो है वॉलेटाइल है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप ट्रेड मत लो, तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि मार्केट जो स्टेबल होता है, माफ़ी चाहूँगा स्टेबल नहीं होता, कहने का मतलब है बहुत सारा जो चेंजेस होते हैं तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, बायर्स या सेलर्स, बुलिश या बियरिश, तो ये रीज़न रहेगा आपका ट्रेड नहीं लेने का। तो अब एक कन्फर्मेशन देखते हैं और ट्रेड लेते हैं यार। एक कन्फर्मेशन देख के, देखिए इस पर्टिकुलर करेंसी पे तो लेने का कोई फायदा नहीं है, जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ, जीबीपी ऑड पे ट्राई करते हैं। अगर मुझे कोई कन्फर्मेशन मिली यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लूंगा, रीज़न वही सेम, ये एक हॉरिजेंटल पाथ को फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं अप डायरेक्शन में, बट यहाँ पे भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन मुझे तब मिलेगा, इस एक पॉइंट पे मेरे को कन्फर्मेशन मिलेगा। आप जब अब देख पा रहे होंगे, एरो देख पा रहे होंगे आप, ये जो माउस का एरो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन मिलेगा। कन्फर्मेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट में मिलेगा, फिर मैं जो ट्रेड है वो लूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ना कि ऐसे इस सिनेरियो में। इस सिनेरियो में ज़रूर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कितनी देर के लिए जाएगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी ट्रेड लेने का फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्केट जो है अभी स्ट्रैटेजी को वेट करना चाहिए, हमें फॉलो करने के लिए हमें बहुत वेट की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा, पेशेंस होने चाहिए, हमेशा से कहता हूँ यार, अब इन दी एंड आप जो करोगे, एंडिंग करते हो अपनी ट्रेड की ना, अपने पूरे दिन की, वो प्रॉफिट में होनी चाहिए, तो वो बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। अगर वो प्रॉफिट में नहीं जाता है दिन, तो फिर क्या फ़ायदा ट्रेडिंग करने का। इसीलिए चाहे एक ही ट्रेड लो, बट कन्फर्मेशन के साथ लो और प्रॉफिट लेके आओ उसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से आपको ट्रेड लेनी है। सारा सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया यार, कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। दूसरा बात ये कि यार, लोग कहते हैं यहाँ से पैसा किस तरीके से कमाया जाता है, क्या सिनेरियो इसके पीछे, बैकएंड क्या है मतलब, तो इसका आंसर मैं ज़रूर देना चाहूँगा आप लोगों को कि यार, जब आप डेमो अकाउंट से स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्ट डेमो अकाउंट से करो, डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करो डेमो अकाउंट में। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं डेमो अकाउंट से विड्रॉ हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, डेमो अकाउंट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। डेमो अकाउंट से आप स्टार्ट करो, डेमो अकाउंट में स्टार्ट करने के बाद आप जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, इनफ कॉन्फिडेंट कि आप विन करना स्टार्ट हो गए हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, रियल मनी इन्वेस्ट करो, बहुत ही स्मॉल अमाउंट करो यार, छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर लो, एक विड्रॉ ले लो। जब आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मुझे विड्रॉ मिल रहा है, देन गो अहेड विद पर्टिकुलर एप्लीकेशन, समझ गए आप। जब आपको आप एक कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रेस है, स्मॉल, ये छोटे, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये 5 किलोमीटर की, ये मैराथन है। यहाँ पे आपको जल्दी थक के रुकना नहीं है यार, ये चीज़ें ऐसी हैं जब लॉन्ग टर्म तक जाना है आपको। लॉन्ग टर्म तक जाने के लिए सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, तब करो जब आपको लगता है कि करने की ज़रूरत है, अब करना सही रहेगा। प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करो, अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेनी है।
प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करो, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रॉपर, एक तरीका होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, सारा चीज़ें, एक मार्केट को फॉलो करना आपको आना चाहिए, इकोनॉमिक कैलेंडर, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आने वाले टाइम में मैं जो है सारी चीज़ें बताने भी वाला हूँ धीरे धीरे, क्योंकि यार आपको भी पता है एक साथ सारा खाना खा लेते हैं तो हज़म नहीं होता है, पेट खराब हो जाता है। उसी तरीके से आने वाले टाइम में धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके लिए बस सबसे पहले बताना चाहूँगा, कॉन्फिडेंट रहो यार, गिव अप नहीं करना आपको इजीली। एक बात हमेशा याद रखो, जब आप दो या तीन ट्रेड कंटिन्यूअसली हार जाते हो ना, मतलब तीन ट्रेड हार गए हो और आप बिगिनर हो, आपके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप मार्टिकल के ऊपर नहीं जा सकते, आप मार्टिकल को फॉलो नहीं कर सकते, मार्टिकल को फॉलो तब तक मत करो जब तक आपके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर ये सिनेरियो बनता है ना, ये केस बनता है, आप दो तीन ट्रेड हार जाते हो, मैक्स टू मैक्स तीन ट्रेड हार जाते हो, तो वहाँ पर आप रुक जाओ, मत जाओ आगे, वहाँ पर स्टॉप कर दो। तीसरी चीज़ ये कि यार गिव अप मत करो इजीली। अगर ऐसा रहता है कि आप तीन ट्रेड हार जाते हो तो आप गिव अप कर देते हो ना, आप डेफिनेटली जीतोगे और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, बट ज़रूरत है एक मोटिवेशन की, ज़रूरत है एक वे की, एक विजन की, एक एक ड्रीम की यार, ज़रूरत है आपको फॉलो करने की, अपने अपने पैशन को, आपको चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, नॉलेज गैदर करने की ज़रूरत है, जहाँ से भी नॉलेज मिले लो, हर एक चीज़ को फॉलो करो, एक एक इस चीज़ को मतलब इस तरीके से लो कि भाई यहाँ से मुझे पैसा कमाना है, डेफिनेटली अर्न करना ही करना है, तो आपको वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। आसान है पैसा कमाना, मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, ऐसा नहीं है इसकी कोई अलग से स्टडी होती है, को कहीं से जाके पढ़ने की ज़रूरत है ना, सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी अगर क्वेरीज रहती है आप इंस्टा पे पूछ सकते हो यार, कमेंट में पूछ सकते हो और मुझे FB पे भी पूछ सकते हो, ज़्यादातर जो मैं इंस्टा पे ही ऑनलाइन रहता हूँ, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। बाकी बायनोमो की जो एप्लीकेशन है आप डाउनलोड कर लेना है लिंक में, अगर आपको करना चाहो तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन से ही, और कोई क्वेश्चंस भी हो तो बेझिझक पूछ लेना। चलिए गाइस यार, उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आई होगी और लाइक आपने ज़रूर कर दिया होगा अभी तक, यार शेयर जरूर कर देना यार वीडियो को, ताकि यार आपके जैसे जितने भी भाई लोग हैं ना चीज़ें को समझें, थोड़ो जिन लोगों के मन में गलत गलत विचार आए हुए ना इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में, तो उन सारों को समझ आए कि यहाँ पे से रॉकेट साइंस नहीं है, यह चीज़ बहुत आसान है और हम ज़रूर यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, बट ज़रूरत है एक ध्यान लगाने की भाई, एक्टिव रहने की। चलिए यार गाइस, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।